हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पनीर लाहौरी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो पनीर को मैंने यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है इस तरह से। ये 250 ग्राम्स पनीर है और इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और ये मस्टर्ड ऑयल है, तो इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे पहले और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और ये पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। तो इस पनीर को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, दोनों साइड से हल्के से स्पॉट्स आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन एक से दो मिनट में ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा और फिर हम इसे एक स्पून की हेल्प से पलट लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं एक मिनट के लिए। और उसके बाद हमारा ये पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है फ्राई होके और इसको मैंने इस तरह से फ्राई किया है। बाकी के पीसेस भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 6 से 7 कलियाँ लहसुन के लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और इन्हें मैं फ्राई करूंगी। तो इन्हें लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा वैसे ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें सिर्फ काजू भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4-5 बादाम ले लिए हैं और तकरीबन 2-3 छोटी चम्मच मैंने ये टूटा हुआ काजू है वो मैंने ऐड कर लिया है। और इसे भी फ्राई कर लेंगे साथ में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 हरी मिर्च और इनको भी साथ में फ्राई करेंगे। तो इन्हें सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे, जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे वैसे ही हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है और अब इसे हम थोड़ा सा कवर करके पका लेंगे जिससे ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, हमारे टमाटर पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। बाकी नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे जैसे हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो नमक ऐड करके हम इसे और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए कुक कर लेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हम ठंडा कर लेंगे, जो हमने प्याज लहसुन अदरक और टमाटर को फ्राई किया है इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल ले लिया है 1/2 चम्मच और उसमें हम थोड़े से साबुत गर्म मसाले ऐड करेंगे। तो ये ऑयल हमारा गरम हो गया है और अब इसमें मैं 2 इलायची, छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा वो ऐड कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम को अभी लो कर देंगे क्योंकि ये हमारी कढ़ाई थोड़ी सी
जलने लगी है क्योंकि ये मसाले की है। तो अभी इसमें हम एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर लेंगे और इस प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक की जूलियंस जो हमने लंबे लंबे पीसेस में काट ली हैं और एक हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बारीक काट लिया है और इसको भी इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और ये हम गरम मसाले जो हमने डाले थे साबुत वो निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसका सिर्फ फ्लेवर चाहिए था इसमें, तो हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो लौंग को भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा अदरक भी भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटर प्याज और अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार किया था काजू के साथ बादाम के साथ वो यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है और अभी बचा हुआ जो मिक्सी के अंदर था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी निकाल लिया है और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें साथ में ही हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें नमक हम मिक्स करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, तो हम यहाँ पर 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। और अब इन मसालों के साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे एक बार, तो हमारे मसाले भी साथ में भुन जाएंगे और हमारा ये जो पेस्ट है वो भी भुन जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि इसमें हमने काजू की पेस्ट ऐड की है, काजू बादाम की पेस्ट ऐड की है, तो वो नीचे लगने लग जाती है, चिपकने लग जाती है तले पर। तो ये देखिए हमारा जो पेस्ट है वो थोड़ा सा भुन गया है। अब इसमें 2 चम्मच हम ऐड करेंगे कर्ड यानी दही, 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसके बाद ऐड करना है और दही डालते ही तुरंत हम इसे चलाने लगेंगे, अदरवाइज़ ये दही जो है कभी कभी फट जाता है तो ग्रेवी हमारी ख़राब हो सकती है। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक। तो ये देखिए इसमें बॉईल भी आने लग गया है और अब हम इसे चलाते हुए कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए भूनते भूनते हमारी जो ग्रेवी है वो मसाला हमारा इस तरह का हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से भूनना है इसे। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें। और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे जिससे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो ये देखिए इसमें बॉईल आ चुका है और देखिए ऊपर आपको ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारी ग्रेवी कम्प्लीटली बन के रेडी हो गई है और अब इसमें लास्ट में कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने तवे पे रोस्ट करके और उसको हाथों से क्रश कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरा धनिया ऐड कर लेंगे और अब लास्ट में हम पनीर को ऐड कर लेंगे इसके अंदर।
पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे पनीर में अच्छी तरह से ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और ये हमारा पनीर लाहौरी बनके बिल्कुल रेडी है। इसे कवर करके रख देंगे और 2 मिनट बाद हम इसे 2 से 3 मिनट बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है बनके और ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।